ताकत, कुव्वत, सेहत, ये सारी चीजें अताए कुदरत हैं। हाय 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 हाय, अताए कुदरत है। याद रखो, हमने पहाड़ पैदा ही इसलिए किए हैं कि किसी का गुरूर पत्थर से ऊंचा ना हो जाए। अरे मजलिस है ये, मजलिस है ये, तवज्जो दीजिएगा, बहुत तवज्जो दीजिएगा। हमने पेड़ पैदा ही इसलिए किए हैं कि कोई भी उभरने वाला साए से बाहर ना जाए। लिहाजा चलो तो इनका सारी के साथ इंसानियत का दामन थाम के चलो। सबूत दो तुम कौन सी बिरादरी के हो, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हाथ पैर आंख कान नाक के मजमूए को तुम ये समझ बैठे हो कि यही सारी दुनिया है। जरा सोचो, सबूत इंसानियत अगर नहीं मिले तो ये जिस्म को कुछ भी नहीं करेगा। सबूत इंसानियत क्या है मौलाना, मैं इसको नहीं कह सकता। मैं तो बस एक लफ्ज कहने जा रहा हूं, अगर आप संभाल लेंगे तो वही कामयाब वो कामरान है। जिस दिन इसकी तस्वीर शुरू हो गई कि इंसान किसे कहते हैं, ऐसी मजलिसें कामयाब होने लगेंगी, ऐसी मजलिसें कामयाब होने लगेंगी। जिस दिन ये तस्वीर शुरू हो गई कि इंसान किसे कहते हैं, जिस्म को कुछ भी नहीं करेगा। सबूत इंसानियत क्या है मौलाना, मैं इसको नहीं कह सकता। मैं तो बस एक लफ्ज कहने जा रहा हूं, अगर आप संभाल लेंगे तो वही कामयाब वो कामरान है। जिस दिन इसकी तस्वीर शुरू हो गई कि इंसान किसे कहते हैं, ऐसी मजलिसें कामयाब होने लगेंगी, ऐसी मजलिसें कामयाब होने लगेंगी। जिस दिन ये तस्वीर शुरू हो गई कि इंसान किसे कहते हैं, अभी तो थोड़ी सी देर के लिए मुतवज्जे रहिएगा, तब जाके आपको पता चलेगा कि यकीनन इंसान किसे कहते हैं। इंसानियत इंसान का नाम नहीं है, इंसानियत का नाम है। आदमी आदमी का नाम नहीं, आदमियत का नाम है। किसी के चार हाथ पैर नहीं होते मगर सखावत इसकी उससे ज्यादा है। किसी के आंख दिमाग नहीं है मगर इसकी सलाहियत उससे ज्यादा है, मुतवज्जे रहिएगा। किसी के कोई 20 पैर नहीं है मगर इसकी रफ्तार उससे ज्यादा है। इसका मतलब ये कि जिस्म तो सबके एक है मगर आमाल सबके एक नहीं है, हरकत सबके एक नहीं है। इसी का नाम इंसानियत है, इसी का नाम इंसानियत है। जिसको तुम महसूस कर सकते हो, अगर महसूस कर लिया है तो अब तर्जुमा करो कि इंसान किसे कहते हैं, इंसान कौन है। वलकत कर रंग न बनी आता, हमने इंसान के सर पर ताजे करामत रखा। अब ताबीर करो कि इंसान क्या है, हाथ पैर आंख कान। सबसे साफ के नहीं होते, सिखाव पे होते। अगर तकलीफ बिल्कुल अंदर जा चुकी है और जहनों दिलों दिमाग पे छा चुकी है तो अब लफ सुनिए। सवाल ये नहीं है कि दौलत में कौन ज्यादा है, सवाल ये है कि फजीलत में कौन ज्यादा है। सवाल ये नहीं है कि दौलत में कौन ज्यादा है, सवाल ये है कि फजीलत में कौन ज्यादा है। जुमला सुनिए, सवाल ये नहीं है मामदार कौन है, सवाल ये है साहिब किरदार कौन है। इंसानियत सिफात में पोशीदा है, जात में नहीं। रसूल इस्लाम का फरमान मुकद्दस है, इन हसबुर रजुल दीन हो। आदमी की जाती शख्सियत के लिए सिर्फ उसका दीन काफी होता, वह मुरब्बत हो खोलो को हो, और उसके अखलाक के ऐलान करने के लिए उसकी मुरब्बत काफी है। आदमी कभी भी कुछ रोजे रख रहे हैं, कुछ नहीं रख रहे। क्यों नहीं रख रहे, क्या इसलिए नहीं रख रहे हैं कि मरने का डर है, तो बचने की गारंटी कौन देगा। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद, बचने ही की गारंटी कौन देगा, किसके पास है बचने की गारंटी। अजीजों चंद लफ्ज़े हैं बस,
इंसान मौलाना कोई तारीफ भी है इंसान ना कहता। आदमी जिस्म से नहीं पहचाना जाता, आदमी इल्म से पहचाना जाता। अगर मुसलसल लफ्जे बेकार चली गई तो कोई बात नहीं, मैं मसाइब की तरफ आ जाऊंगा, लेकिन अगर लफ्जे न गई तो एक तालिबे इल्म की मेहनत आगे आगे चली जाएगी। इंसान जिस्म का नाम नहीं है, इल्म का नाम है। यही वजह है कि जो सिर्फ जिस्म को परवान चढ़ाकर चले गए उनके तस्करे तक नहीं है, और जो इल्म छोड़कर चले गए। जो इल्म छोड़कर चले गए वो आज तक जिंदा है। इसका मतलब ये कि इंसान जिस्म को नहीं कहते, इल्म को कहते। तो दूसरा लफ्ज काश, काश वो मेरे बच्चे बच्चे तक पहुंच जाए, तावीज बनकर पहुंच जाए, वो तो बच्चे रहेगा। आदमी जात से नहीं पहचाना जाता, आदमी सिफात